हेलो माय लवलीज, मैं हूँ रंगीली रुचि एंड वेलकम टू बॉलीवुड कैफे। यहाँ मिलेंगे आपको बॉलीवुड की सबसे फ्रेश और कड़क खबरें, जस्ट लाइक माय कड़क कप ऑफ कॉफी। सलमान खान की होने वाली है नो एंट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो उसकी वजह भी कुछ ऐसी ही है। सलमान खान नो एंट्री मूवी के सीक्वल में होने वाले हैं। प्रोड्यूसर बोनी कपूर जल्द ही सलमान से मिलकर उनकी डेट्स लेने वाले हैं। वैसे सलमान को इस फिल्म की स्टोरी सुनते ही पसंद आ गई थी। मजे की बात तो ये है कि इस फिल्म में 9 हीरोइनें होने वाली हैं। इससे तो सलमान की निकल पड़ेगी, इतनी सारी लड़कियां एक साथ मिल जाएंगी। अजय देवगन और सूरज पंचोली का खूब होगा दोस्ताना। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की डांस एक्शन फिल्म के चलते अजय देवगन और सूरज पंचोली एक साथ काम करने वाले हैं, और ये फिल्म डांस और एक्शन का कॉम्बिनेशन होने वाली है। देखते हैं अजय और सूरज का याराना कौन सा कमाल करता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनने वाले हैं गोल्फर। जी हाँ, एक आने वाली फिल्म के चलते नवाजुद्दीन गोल्फर बनने वाले हैं। और तो और, इस आने वाली फिल्म में रोमांस का तड़का भी लगने वाला है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सोहेल खान। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस बारे में और बताते हुए कहा, आई एम प्लेइंग अ गोल्फर इन द फिल्म, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड शूटिंग फॉर इट, आई विल बी सीन रोमांसिंग एमी जैक्सन एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड। वैसे रोमांस और गोल्फ कॉम्बिनेशन तो अच्छा लग रहा है, देखते हैं अब इस बार आप क्या नया करते हैं। तो ये था बॉलीवुड कैफे का आज का एडिशन। मैं हूँ रंगीली रुचि, और ऐसी ही मजेदार मसालेदार फिल्मी खबरों के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी।